मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं, सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने आ, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है, मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है, आपका धन्यवाद। प्रधानमंत्री को विश्व गुरु के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन एक विश्व गुरु होने का क्या फायदा जब आप अपनी देश की बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, जब आप अपनी देश की जनता को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, आप आखिरकार विदेश में जाकर किस बात की वाहवाही करेंगे, आखिरकार आप विदेश की जनता को क्या संदेश देंगे कि हमारे देश में बेटियों को सरेआम नग्न करके घुमाया जाता है, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सरकार के नाते यानी कि सत्ता में होने के नाते आपने क्या किया, प्रधानमंत्री होने के तौर पर आपने क्या किया, आपने बेटियों के समर्थन में आखिरकार क्या किया। चौबीस पूरे ही भारतवासियों के लिए काफी ज्यादा अहम और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो 2024 को ध्यान में रखते हुए पूरा ही विपक्ष एकजुट हो चुका है और महागठबंधन किया जा चुका है जिसका नाम रखा गया है इंडिया। तो 24 में एनडीए वर्सेस इंडिया देखने को मिलेगा और ऐसे में देखा जाए तो 24 को ध्यान में रखते हुए यहां पर मोदी सरकार लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही है। नौबत ये तक आ चुकी है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जारी है, मांग ये की जा रही है कि अब देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि पूरे ही देशभर में इस वक्त मणिपुर राज्य चर्चा का विषय बना हुआ है और आज एक बार फिर से मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसी हिंसा को लेकर आज अपनी बात एक बार फिर से आपके बीच रखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर में जो 4 मई का वीडियो सामने आया उस वीडियो ने वाकई में हर किसी के दिल को दहला कर रख दिया। एक बर्बरता देखने को मिली है, दरिंदगी देखने को मिली है महिलाओं के साथ, दो महिलाओं को किस तरह से घर से बाहर लाकर निर्वस्त्र करके घुमाया गया है और ऐसे में देखा गया है कि उन महिलाओं के साथ जो बर्बरता देखने को मिली है उसे देखते हुए राजनीतिक दल लगातार मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए नजर आए हैं। पीएम मोदी की चुप्पी पर 100 सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार पीएम मोदी इस मामले पर बोल क्यों नहीं रहे हैं, यहां पर यही अहम सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब मैतेई समुदाय की तरफ से, कुकी समुदाय की तरफ से लगातार अपील की जा रही है, मांग की जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो इस मामले पर राष्ट्रपति ने अब तक कोई बात नहीं की है, हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने पत्र लिखे हैं, ज्ञापन सौंपे हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो दिल्ली में सियासत काफ़ी तेज़ हो चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, हर जगह से सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति से मांग की जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रपति की चुप्पी यहां पर 100 सवाल खड़े कर चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति से मांग की जा रही है, गृह मंत्री से भी वह इस्तीफा मांगे, उन्हें बर्खास्त कर दें और वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को भी यहां पर बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि वाकई में इन सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार को और राज्य सरकार को सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और यहां पर राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ यहां पर आगे किया जा रहा है, उन पर मेहरबानी जाहिर हो रही है हर एक विपक्षी दल की। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला होना चाहिए मणिपुर की जनता के लिए, मणिपुर की आवाम के लिए। सवाल यहां पर करेंगे आज हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती है। देश के जो प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति है, वह भी आदिवासी समुदाय से आती हैं,
आदिवासियों के साथ आज हम देख रहे हैं, दरिंदगी देखने को मिल रही है। आप भी एक महिला हैं, हम भी हैं, और बाकी पूरी दुनिया भर में देखा जाए तो इस मामले को लेकर हर किसी ने दुख को जाहिर किया है, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं प्रज्ञा, लेकिन देश के राष्ट्रपति चुप हैं। ऐसे में सभी का यही कहना है कि आप एक महिला होने के नाते तो फैसला लीजिए, आप राष्ट्रपति होने के नाते तो फैसला लीजिए, आप उनकी चुप्पी को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, यहाँ पर वाकई में जिस तरीके से मैं अगर बात करूँ तो ये काफी ज्यादा कह सकते हैं दुखद है कि एक महिला होने के नाते भी अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस मामले पर खामोश हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि चलिए आप एक बार के लिए देश के प्रधानमंत्री से वो उम्मीद ना रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं साल 2024 में चुनाव है, उनकी सत्ता इस वक्त खतरे में है, तो हो सकता है कि सत्ता को बचाने के लिए वो खामोश है, लेकिन राष्ट्रपति के पास तो ऐसी कोई भी परेशानी या कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया या अपने हस्तक्षेप से रोक रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस आदिवासी समुदाय की वो हमेशा तारीफ करती हैं, हमेशा वो इस बात के लिए आदिवासी समुदाय को लेकर के कह सकते हैं क्रेडिट देती हैं कि आज वो जो भी कुछ है उसके लिए कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय सबसे ऊपर है, जब उन्होंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी तब भी वो कहती नजर आई कि मुझे बहुत ज्यादा सम्मान गर्व है अपने ऊपर कि मैं आदिवासी समुदाय से हूँ, लेकिन आज जब वही आदिवासी समुदाय इस तरह की कह सकते शर्मनाक हरकतों का, घटनाओं का सामना कर रहा है या यूं कहे उसका शिकार हो रहा है, तो सवाल लगातार ये उठ रहा है कि राष्ट्रपति जी क्यों इस मामले पर नहीं बोल रहे। चलिए आप कोई फैसला नहीं ले सकती, समझ सकते, लेकिन कम से कम आप मणिपुर की जनता से शांति की अपील कर सकती हैं, बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम उनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कई विपक्षी दल के नेता हैं जो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो मुलाकात नहीं कर पाए हैं वो ट्वीट कर अपनी राय रख रहे हैं। तो देखिए, एक राष्ट्रपति के पद पर होने पर कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता आपको उस तरह से आपसे अपेक्षा रखती है कि ऐसे मुद्दों में आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि आपको इसीलिए उस पद तक जनता ने पहुंचाया है, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने या सरकार ने पहुंचाया कि कहीं ना कहीं जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी राज्य में इस तरह की हिंसा को ना रोक पाए तो राष्ट्रपति को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और लगातार राष्ट्रपति शासन को लागू करने की मांग भी हो रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा ये चुप्पी कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। यहां पर एक और अहम सवाल ये बनता है, क्या यहां पर आपकी नाराजगी जाहिर नहीं होती, क्या गुस्सा जाहिर नहीं होता? देश की जो राष्ट्रपति है वह 15 अगस्त के मौके पर कहती है कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं को मान सम्मान मिलना चाहिए, पीएम मोदी भी यहां पर मान सम्मान की बात करते हैं, लेकिन मान सम्मान की जब बात आती है तो आप यहां पर चुप्पी भी नहीं तोड़ रहे हैं, कैसे देख रही हैं आप इस सियासत को आज के समय में? देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए राजनीति कहीं ना कहीं हमेशा से ऐसी ही रही, जब कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस सत्ता में थी तब भी कहीं ना कहीं, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री के तौर पर थी तब भी इस तरीके के सवाल उठ रहे थे, लेकिन देखिए जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, भारत देश को विश्व गुरु के तौर पर देखा जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को विश्व गुरु के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन एक विश्व गुरु होने का क्या फायदा जब आप अपनी देश की बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, जब आप अपनी देश की जनता को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, आप आखिरकार विदेश में जाकर किस बात की वाहवाही करेंगे, आखिरकार आप विदेश की जनता को क्या संदेश देंगे कि हमारे देश में बेटियों को सरेआम नग्न करके घुमाया जाता है, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और सरकार के नाते यानी कि सत्ता में होने के नाते आपने क्या किया, प्रधानमंत्री होने के तौर पर आपने क्या किया, आपने बेटियों के समर्थन में आखिरकार क्या किया? आप एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सबसे आगे रखो, लेकिन आज जब वाकई में उन बेटियों को आपकी जरूरत है तो आखिरकार आप फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, ये सवाल सबसे बड़ा। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा प्रज्ञा, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से विपक्ष ने यहाँ पर जो अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर आगे रखा था, पेश किया था, उसे अब मंजूरी दे दी गई है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, अब आपको क्या लगता है जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फैसला सुना दिया है, क्या इसके बाद यहाँ पर पीएम मोदी अब जो बोलते हुए नजर आएंगे, इस मामले पर अपनी बात रख सकते हैं, पूरी देश की सियासत पर बात रखेंगे, लेकिन क्या इसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके से मांग हो रही है उसे आप सही मानती हैं? देखिए, यहाँ पर अगर आप मांग को मुझसे पूछे तो देखिए मांग पूरी तरह से सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि देश ने आपको प्रधानमंत्री का पद सौंपा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उस पद पर हैं तो जनता की वजह से हैं, और अगर आज उसी जनता को आप उस संकट से नहीं निकाल पा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पद पर होने का कोई फायदा नहीं है, जितना मैं समझ रही हूँ। लेकिन हाँ, विपक्ष जो कह रहा है लगातार कि मणिपुर हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है, तो देखिए सरकार अगर जिम्मेदार है तो कम से कम आप उसको और ज्यादा बढ़ा
दिखाने का काम मत करिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा विप्रांशी एक वीडियो सामने आता है उसके बाद और भी तमाम राज्यों से इस तरीके की घटनाएं आ रही, तो विपक्ष को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि वो आज मणिपुर की जनता के लिए आवाज़ उठा रहे, लेकिन आवाज़ उठाने का जो सही तरीका है मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वक्त उसे नहीं अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं और राज्यों में इस तरह की हिंसा बढ़ने के कयास लगाए जा रहे, आसार लगाए जा रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि विपक्ष जो मांग कर रहा है वो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन अपनी मांग को इस तरह से इस ढंग से रखें कि इससे और राज्यों में इस तरह की हिंसा को बढ़ावा ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा। जैसा कि प्रज्ञा ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, उसे देखते हुए ये लाजमी सी बात बनती है कि देश के राष्ट्रपति को जल्द से जल्द अब इस मामले पर अपनी बात रख देनी चाहिए। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए, उनसे अपील तो ये तक की गई है कि अब जल्द से जल्द उन्हें मणिपुर हिंसा जो देखने को मिल रहा है, मणिपुर का उन्हें दौरा करना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए, हालात देखने चाहिए, परखने चाहिए, और मोदी सरकार पर और राज्य सरकार को देखते हुए यहाँ पर अहम फैसला ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि अब शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने यह बात तक कह डाली है कि लोकतंत्र बच नहीं पाएगा अगर मोदी सरकार ऐसी ही काम करती रही। अगर 2024 में मोदी सरकार एक बार फिर से आ जाती है लोकतंत्र खत्म होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रपति इस मामले पर क्या कुछ अहम फैसला लेंगे, यह बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। आपको यहां पर हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए तमाम वीडियोस भी दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहां पर तमाम बड़ी बड़ी मांगे की जा रही हैं, क्या देश के राष्ट्रपति को इस मामले में अब हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ही तरफ प्रधानमंत्री भी अपने दुख को जाहिर किए हैं। तो सबसे पहले आप ये रिपोर्ट्स देखिए और इन रिपोर्ट्स से आप समझ सकते हैं कि मणिपुर के जो हालात हैं वह कितने गंभीर हो चुके हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारी पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, सब 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, सब 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ओके, माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है, ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गौरव गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें।
अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में यह अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। मनीष तिवारी जी लगा रहे हैं, उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है, मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं, सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने आ रहा है, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है, मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है। आपने देखा कि किस तरीके से मणिपुर के हालात काफी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए विपक्ष ने संसद में हंगामा तक कर डाला है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति क्या वाकई में मणिपुर की तरफ रुख करेंगी, क्या वाकई में कोई अहम फैसला लेंगी, क्या बैठकें होती हुई नजर आएंगी, ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। लेकिन इस पूरे ही प्रकरण पर, इस पूरे ही दर्दनाक मंजर पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।